Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो और एक आप कम बजट के अंदर NVMe M.2 SSD अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ गीगाबाइट की 512 GB की NVMe M.2 हार्ड डिस्क की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो इसी की करते हैं आज अनबॉक्सिंग और मैं आपको इसे इंसर्ट करके बताऊंगा मदरबोर्ड में आप इसे कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है गीगाबाइट की तरफ से आने वाली SSD। SSD का फुल नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। NVMe M.2 स्लॉट के अंदर ये लगती है मदरबोर्ड के अंदर। फिलहाल कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर की बात। तो मैन्युफैक्चर जनवरी 2020 आपको यहाँ दिखी रही है और बॉक्स पे MRP दी हुई है 17,160 रुपये। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा ये मार्केट में आपको आसानी से कितने रुपये की मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ आपके सबसे ज़्यादा हाईलाइट यहाँ दिया हुआ है 512 GB की है आपको SSD देखने को मिलेगी। फिलहाल इसके बैक पैनल की तरफ मैं बात करता हूँ। बात करूँ मैं इस SSD की स्पीड की, तो आपको इसमें 1700 MBPS की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं बात करूँ इसके राइट स्पीड की, तो आपको 1550 MB की राइट स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिलहाल बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। ये यहाँ बेसिक सा यूजर मैनुअल अपने को देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इसमें निकालते हैं अपनी SSD को। AT साइज़ के अंदर अपने को ये M.2 यहाँ अपने को देखने को मिल रही है। और यहाँ गीगाबाइट की ब्रांडिंग ऊपर की तरफ दी हुई है और NVMe SSD M.2 करके ये 512 GB की आपको SSD देखने को मिल रही है। ये वाली SSD अपने को होस्ट मेमोरी बफर सपोर्टेड यहाँ अपने को देखने को मिल रही है। और मैं फ़िलहाल करूँ इसकी वारंटी की बात, तो आपको इसमें 5 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल मैं इसको इंसर्ट करके बताता हूँ मदरबोर्ड में आप इसे कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अपने को यहाँ अपने को 110 यहाँ अपने को देखने को मिल रही है और यहाँ अपनी SSD देखने को मिल रही है। 80 साइज़ के अंदर अपने को ये मेमोरियाँ देखने को मिल रही है। इस वाले स्लॉट में इसको लगाएंगे क्योंकि ये 80 साइज़ की अपने को देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आपको इसको इंसर्ट करके बताता हूँ। तो मैंने इसको फ़िलहाल कर लिया है ओपन और मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ SSD कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ M.2 आपको इसमें यहाँ लगानी है और आपको इसमें लगाने के बाद में हल्का सा प्रेस करना है और जैसे आप प्रेस करोगे तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगी। और ये है इसका थर्मल गार्ड, तो आपको ये वाला थर्मल गार्ड इसको हटाना है आपको यहाँ से और फिर आपको इसमें यहाँ लगाना है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ लगा देता हूँ। ये इसमें अच्छे से आपको इसे इंसर्ट करना रहेगा और फिलहाल मैं इसका लगा देता हूँ स्क्रू। मैंने फिलहाल मदरबोर्ड के अंदर इसे इंसर्ट कर दी है SSD को और ऊपर की तरफ अपने को मिल जाता है थर्मल गार्ड जो आपकी SSD को बिल्कुल कूलिंग रखेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने गीगाबाइट के आपकी SSD के बारे में आपको बताया। इसकी रीडिंग स्पीड आपको 1700 देखने को मिलेगी और इसकी राइट स्पीड आपको 1550 देखने को मिली रही है। और इसमें की बात करूँ वारंटी की, तो वारंटी आपको इसमें 5 ईयर देखने को मिल रही है। अगर आप एक बजट 512 NVMe M.2 अगर परचेज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ये केवल 6500 रुपये में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। वहीं मैं कंपेयर करूँ इसे सैमसंग की NVMe M.2 512 से, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में मार्केट में आपको आसानी से मिल रही है। जैसे ये मेरे पास है सैमसंग की M.2, अगर ये आप इसे परचेज करोगे तो ये 11,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। मैं रिकमेंडेड यही करूँगा अगर आपके पास कम बजट है तो आप ये गीगाबाइट की परचेज कर सकते हो। 5 ईयर वारंटी आपको देखने को मिली रही है।
वहीं अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप सैमसंग की SSD परचेज कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग में आपको एक अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, वहीं आपको गीगाबाइट में क्योंकि बजट के हिसाब से आपको कम स्पीड यहाँ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने गीगाबाइट की SSD M.2 के बारे में आपको सारे फीचर्स आपको बताए, मैंने मदरबोर्ड में आपको इंसर्ट करके बताया कैसे इसे इंसर्ट कर सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।